फाइनली छनक ने कर दिया है बड़ा खुलासा। अब आएगा शो में कैसा धमाकेदार ट्विस्ट। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक का अपकमिंग ट्रैक ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आने वाला है। दरअसल आपको देखने को मिलने वाला है जिस पल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था कि कब झनक को सारी सच्चाई जो है पता चलेगी और वो सारी सच्चाई सबको बताएगी। अब झनक के सामने सारी सच्चाई आ ही गई है, तो वो डांस स्टेज पर सबके सामने ही ब्रिजभूषण, जो नकली ब्रिजभूषण है यानी कि कुलभूषण, उसका भांडा फोड़ती नजर आएगी। अब वही अगली बारी है सृष्टि की, क्योंकि वो सृष्टि को भी एक्सपोज करेगी। चलिए बताते हैं शो के अपकमिंग ट्रैक में क्या होने वाला है। दरअसल आप देख सकते हैं किस तरह से डांस कंपटीशन हुआ अर्शी और झनक के बीच में, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को टक्कर दी, तो वहीं अब दोनों ही डांस स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन माइक इस बार झनक के हाथ में है। अब झनक कहती है, दोस्तों ये कंपटीशन तो हो गया, लेकिन मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। जिसके बाद नकली जो ब्रिजभूषण यानी कि कुलभूषण है, वो झनक की शक्ल देखने लगता है। वहीं सामने बैठा असली ब्रिजभूषण, जो कि झनक का पिता है, वो हंस रहा है कि उसकी बेटी उसे इंसाफ दिला रही है। वहीं अनिरुद्ध भी काफी हैरान है कि आखिर ये नूतन यानी कि झनक कौन सी अनाउंसमेंट करने वाली है। अब झनक बोलना शुरू करती है, वो कहती है, मेरे पिता का नाम ब्रिजभूषण भानुशाली है, जिसको सुनते ही सृष्टि हैरान हो जाती है। अब वहीं पर झनक कहती है कि मेरे पिता वो हैं जो सामने बैठे हैं, और ये जो मेरे साथ स्टेज पर खड़े हैं, ये हैं नकली ब्रिजभूषण यानी कि कुलभूषण, जो कि मेरे पिता के भाई हैं, और इन्होंने मेरे पापा का फेम इतने दिनों से मिसयूज किया और उसका फायदा उठाते रहे। ये बात सुनते ही कुलभूषण के तोते फेल हो जाते हैं, वो काफी हैरान हो जाता है। वही बात करें सृष्टि की, तो सृष्टि भी हैरान है, क्योंकि उसके साथ साथ उसका भी भांडा फूटेगा, ये वो अच्छे से जानती है। अनिरुद्ध को आप देखिए किस तरह से वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहीं पर अनिरुद्ध के सामने भी आ गया है झनक का सच, क्योंकि झनक का सच वो ऑलरेडी जानता है कि झनक ब्रिजभूषण की बेटी है। ये सच्चाई अनिरुद्ध को काफी टाइम पहले ही पता चल गई थी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा शो के अपकमिंग ट्रैक में क्या होगा, क्योंकि एक तरफ अर्शी जो है वो बार बार अनिरुद्ध को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि अब तो झनक है नहीं, हम दोनों मिलकर बच्चा पैदा करते हैं, शायद उसकी वजह से हम लोग करीब आ जाएं, क्योंकि अब तो झनक इस दुनिया में है ही नहीं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा अनिरुद्ध का आगे क्या फैसला होने वाला है झनक के लिए। कॉमेंट करके दोस्तों अपनी राय बताइए। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को फॉलो करें।